मॉब लिंचिंग का मामला है, कोई कानून बनाया इन्होंने जी। अब जुबानी कह देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान इसमें बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है, इसमें मॉब लिंचिंग के लिए में कि भाई हमारे साथ ये जब किसी को पकड़ा और उसको जान से मार दिया तो बताई, तो इसका हमारे सिवाय हमें हरस करने के लिए, मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए ये काम हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं रोका जाता। ये यहाँ जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, समझ गए, लोकतंत्र है, तो इसमें इस लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर ये इस किस्म के वाकयात होना ये सारे देश के लिए नुकसानदेह है इसको। बल्कि भाई साफ सुथरा तुम्हें तो ये करना चाहिए कि भाई चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, जाटव हो या और कोई हो, दलित हो, तो उनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो उनके साथ भी इंसाफ कीजिए आप ये, और इंसाफ नहीं करेंगे तो इससे पूरे मुल्क में मतलब ये कि जी सारे मुल्क में इससे अफरा तफरी मचेगी, इससे क्या फ़ायदा होगा। भाई हम तो कहते हैं कि इस तुम कहते हो सबका साथ सबका विकास और विश्वास और जोड़ दिया उसमें, तो ये तो जब ही तो होगा जब जो कानून कहता है हिंदुस्तान का, इंसानियत जो कहती है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। भाई अगर किसी मुसलमान के साथ ना इंसाफी हो रही है तो उसे भी दिलाइए, किसी हिंदू के साथ हो रही है तो उसे भी दिलवाइए, किसी दलित के साथ हो रही है उसे भी दिलवाइए, किसी यादव के साथ हो रही है तो उसे भी दिलवाइए, सबको दिलवाइए। इंसाफ इंसाफ कहेंगे, बल्कि ये नफरत जो है ख़त्म होकर यहाँ पर मोहब्बत फैले इस जगह। जब मोहब्बत का पैगाम जाएगा, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो हम तो मोहब्बत को फैलाना आम करना चाहते हैं और इस नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। जब तक ही जब ही देश का भी भला होगा, तरक्की भी होगी, जब ही नया देश